Yes, good morning everyone. Good morning students. This is Dr. Anurag Singh and I welcome you on board India's best online learning platform for UPSC CSE preparations, that is IAS Knowledge Mantra. तो आगे बढ़ने से पहले बता दीजिए स्टूडेंट्स इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन. यस गुड मॉर्निंग मुकेश अपूर्वा एंड विजेता एंड ऑल अदर्स हु आर आउट हियर. चलिए बढ़ चलते हैं, देखते हैं 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स न्यूज में क्या क्या आया है द हिंदू में और बाकी न्यूज पेपर्स में. लेट्स प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बट बिफोर दैट लेट मी गिव अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट माई सेल्फ. दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड for the past one decade in offline mentoring and past 4 years in online mentoring upon various edtech platforms. UPSC mein mera experience 2 personal test dene ka hai, 4 attempts and 4 mains mein. I've also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh state civil services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel Anurag Singh IAS Knowledge Mantra par aakar utha le jaiyega इस सेशन का फ्री PDF. यस गुड मॉर्निंग नीला, तरुण, नेहा, प्रिंस और अंकित. यस यस एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन अंकित, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन. तो चलिए पढ़ चलते हैं इस सेशन की तरफ स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस सेशन में और क्या क्या हमें देखना है. चलिए देखा जाए. और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, IAS टॉपर्स मंत्र कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड इन पुणे हैज लॉन्च्ड वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएसई 2024 एंड 25 एस्पिरेंट्स. तो जिन्हें तैयारी करनी है बहुत तरीके से और एग्जाम में सफल होना है, IAS टॉपर्स मंत्र के साथ जुड़ जाइए. एक कोर्स है सक्षम मेंटरशिप लर्निंग कोर्स, योजना कुरुक्षेत्र, PIB, डाउन टू अर्थ मैपिंग और न्यूज आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, डिस्कशंस ऑफ न्यूज, के स्टडीज, लाइव आंसर राइटिंग एंड प्रीलिम्स MCQs आर ऑल कवर्ड इन दिस स्टूडेंट्स. और सक्षम मेंटरशिप लर्निंग एक मंथली कोर्स है, 40 लेक्चर इन अ मंथ अप्रॉक्स 2500 rupees इज द ऑनलाइन कोर्स फीस पर मंथ. तो 40 घंटे का लेक्चर साथ में कंटेंट और डीप रिसर्च के साथ ये तैयार किया जाता है कोर्स. और लक्ष्य फोकस मॉड्यूल इज यू कैन सी 1 कोर्स स्टार्ट राइट फ्रॉम स्क्रैच, हर चीज पढ़ाया जाएगा विद सक्षम इंक्लूडेड इन लक्ष्य फोकस मॉड्यूल. मैं बता दूं स्टूडेंट्स दैट ये दोनों कोर्सेज में आप जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं यू आर गोइंग टू गेट अनपैरेलल्ड गाइडेंस एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइट. तो चलिए बढ़ चलते हैं और मैं बता दूं दैट अगर कुछ इन कोर्सेज में से एडमिशन लेना है, कोई डाउट्स हैं तो आप संपर्क कर लीजिए 9988873548, 9988873548 के ऊपर. चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या क्या है देखा जाए स्टूडेंट्स. सबसे पहले इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज GS पेपर 1 के हिस्से में ये देखिए यहाँ पर, और साथ में ज्योग्राफी का भी टॉपिक है माइग्रेशन. यस माइग्रेशन इज अ टॉपिक और आज द हिंदू में सर्कुलर माइग्रेशन के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया है ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर. लुकिंग एट बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट, क्या बात है ये देखिए माइग्रेशन. और अगर आप इंडियन हैं तो माइग्रेशन से तो आप जुड़े ही होंगे हमेशा से स्टूडेंट्स. ये देखिए यस गुड मॉर्निंग अविनाश एंड तपस्या. तो सी इट आउट है, देखिए ये सूटकेस लेकर, ये शख्सियत पर्सनैलिटी, साथ में देखिए ये किताब लेकर, बैग लेकर, और ये देखिए साथ में सब कुछ पूरा घर लेकर ये लोग जा रहे हैं अपने जो ओरिजिन प्लेस है वहाँ से निकलकर डेस्टाइंड प्लेस पर. डू यू एग्री डेस्टिनेशन पर. ये देखिए ओरिजिन प्लेस में कुछ ना कुछ तो पुश फैक्टर रहा होगा ना, किस किसका मन करता है, किसी का मन करता है कि आप अपने घर को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं, यहाँ से कुछ पुश फैक्टर्स काम कर रहे होंगे स्टूडेंट्स. ये देखिए और यहाँ पर कुछ पुल फैक्टर्स काम कर रहे होंगे. ये देखिए तो 2 का माइग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन जो हम देखने वाले हैं आज, ये देखिए देश के अंदर ही, और एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन जो देशों के बीच होता है. ये देखिए आप बोलेगा सर माइग्रेशन कितनी बार, सर वॉलंटरी भी होता है. यस वॉलंटरी बाय चॉइस, ये देखिए वॉलंटरी बाय चॉइस. यस लेकिन कितनी बार माइग्रेशन वॉलंटरी नहीं होता है, इट्स पुश्ड माइग्रेशन,
इट्स फोर्स्ड माइग्रेशन. तो फोर्स माइग्रेशन कितना होता है वर्ल्ड में? फोर्स का मतलब ये मत समझिएगा कि केवल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप्स में ही पुश होता है. नो, इनफैक्ट शिक्षा, रोजगार अगर नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एट योर ओरिजिन प्लेस, यू आर नॉट गेटिंग बेटर एजुकेशन, यू विल बी फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस. डू यू एग्री? टेल मी इन द चैट बॉक्स. मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में क्या बातें समझ में आ रही हैं, मुझे बता दीजिए. तो आइए सर्कुलर माइग्रेशन की बात की जाए. जब भी माइग्रेशन होता है स्टूडेंट्स ना, तो इम्पैक्ट होता है माइग्रेंट्स पे भी और ओरिजिन प्लेस पे भी और डेस्टाइंड प्लेस पर भी. ये देखिए ठीक है, अरे माइग्रेशन अब इंटरनेशनल से भी आप लोग आगे बढ़ गए लग रहा है. नहीं, ये देखिए इंटरनेशनल माइग्रेशन से आगे अब ये मत कहिएगा दैट इंटर प्लानिटरी माइग्रेशन. ओके, ये भी कल को पॉसिबल हो जाएगा, वो भी हम पढ़ने वाले हैं आज. ये देखिए लैग्रेंज पॉइंट्स को लेकर, तो L4 और L5 पर जाकर बैठना पड़ेगा. स्पेस कॉलोनीज बनने वाली है, वहां पर तैयारी चल रही है नासा की तरफ से. ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स माइग्रेशन में क्या है. माइग्रेशन जो यहां डिस्कशन है ये सर्कुलर माइग्रेशन की बात चल रही है. सर्कुलर माइग्रेशन का मतलब क्या है आइए देखा जाए स्टूडेंट शॉर्ट में, फिर हम देखेंगे ग्लोबल लेवल माइग्रेशन या इंटरनेशनल माइग्रेशन में सर्कुलर माइग्रेशन का मतलब क्या होता है और इंटरनेशनल में क्या मतलब होगा, आइए देखा जाए स्टूडेंट्स. लेट्स सी. तो ये देखिए सर्कुलर माइग्रेशन बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन 60s एंड 70s विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. इंक्रीज एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्क्स, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैव एडेड द एडवेंट ऑफ सर्कुलर माइग्रेशन. ये देखिए अकॉर्डिंग टू फिलिप फार्ग्यूज, अब ये पता नहीं कौन सी पर्सनैलिटी है लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं इनको भी. माइग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज सर्कुलर इफ इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. देयर इज अ टेम्पररी रेसिडेंस इन द डेस्टिनेशन लोकेशन. टेम्पररी रेसिडेंस, आप अमेरिका जा रहे हैं या यूएस में जाकर रुक गए 4-6 महीने के लिए. यस, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल एंट्रीज इन टू द डेस्टिनेशन कंट्री. अच्छा, अगले साल फिर चले गए. वहाँ के लोगों ने कहा क्या मीन्स यहाँ क्या क्या समझ लिए हो? अरे क्या समझे, अमेरिका समझे तभी तो आ रहे हैं यहाँ पर. ओके, उसके बाद देयर इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिटवीन द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन. ओके, और हर साल आएंगे आपने कहा, अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी आएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे. ओके, देयर इज अ लीगल राइट टू स्टे इन द डेस्टिनेशन कंट्री. ये देखिए देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स राइट्स एंड इफ देयर इज अ हेल्दी डिमांड फॉर टेम्पररी लेबर इन द डेस्टिनेशन कंट्री. इसे सर्कुलर माइग्रेशन कहा जाता है. ये देखिए स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है. तो यही है कंप्लीट डिटेल्स अबाउट सर्कुलर माइग्रेशन. यूनाइटेड नेशन भी डिफाइन करता है इसको. ये देखिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप टास्क फोर्स. सर्कुलर माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? अ सर्कुलर माइग्रेंट इज वन हु हैज कंप्लीटेड एट लीस्ट टू लूप्स बिटवीन टू कंट्रीज. ओके, इंडिया कैनेडा. ये देखिए इंडिया से कैनेडा गए, थोड़े दिन रुके, फिर इंडिया वापस आए, फिर मन नहीं माना, फिर कैनेडा चले गए. ये देखिए, देख रहे हैं बातें समझ में आ रही हैं? आप कहिएगा सर ये सर्कुलर माइग्रेशन है. यस, कम से कम टू लूप्स आपने शिफ्ट कर लिया है इंडिया से कनाडा की तरफ. ओके, अब रे सर अगर यहाँ पर तीसरा कंट्री हो गया, मींस इंडिया से कनाडा गए फिर मन किया यूएसए जाने का, यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया. अब ये सब पता है, ये वही हो गया जैसे सी सेट में होता है दैट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या इक्वेशंस में अगर दो वेरिएबल्स हैं तब तो ठीक रहता है, 3-4 वेरिएबल आना शुरू हुआ उसके बाद क्वेश्चन सिलेबस के बाहर, तो ये भी सिलेबस के बाहर हो गया. देखिए सब कुछ है लुक. इन शॉर्ट दो देशों के बीच में सही है सर्कुलर माइग्रेशन का कंसेप्ट. ओके, तो मुझे बताइए स्टूडेंट सर्कुलर माइग्रेशन इंडिया के अंदर होता है क्या, मुझे बताइए. इंट्रानेशनल अगर होता है तो मुझे एविडेंसेस बताइए. टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स what are the evidences of international migration. First, agricultural labors. Do you agree? Tell me students. ये देखिए आप कहिएगा सर एक और भी केस हो सकता है, इंडिया से कनाडा जाने के लिए पहले मैक्सिको या इक्वेडर गए, फिर इंडिया से कनाडा जाने के लिए कोशिश किया मैक्सिको से वहां जाने के लिए, ठीक है, या मैक्सिको से नहीं जा पाए, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा. गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये देखिए इस जगह पर
एग्रीकल्चर लेबर्स कमिंग टू सिटीज, यस दिस इज सर्कुलर माइग्रेशन, यस हर साल आते हैं 3-4 महीने के लिए काम करने के लिए. सेकेंड, एग्रीकल्चरल एंड अनएम्प्लॉयड, ये देखिए अनएम्प्लॉयड यूथ कमिंग फ्रॉम बिहार, ये देखिए एंड यूपी टूवर्ड्स गुजरात महाराष्ट्र, ये देखिए एंड वर्किंग फॉर 6-8 months एंड देन गोइंग बैक अगेन एंड देन कमिंग बैक अगेन, ये देखिए गॉट इट. क्लियर? अब देखिए सर्कुलर माइग्रेशन का एग्जांपल कितना देना शुरू कर दिया बच्चा लोग यहां पर, ये देखिए. तो अनएम्प्लॉयड यूथ गोइंग फ्रॉम बिहार यूपी टू गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये भी है. यस, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एजुकेशन के पर्पस के लिए एग्रीड, इवन आप भी सर्कुलर माइग्रेंट हैं. मैं बता दूं आप, अगर आप दिल्ली आते हैं तैयारी करने के लिए और 2 महीने के लिए घर जाते हैं, फिर दिल्ली आते हैं फिर 2 महीने के लिए घर जाते हैं, आप भी सर्कुलर माइग्रेंट है भाई. तो अब बताइए सर्कुलर माइग्रेंट का, सर्कुलर माइग्रेंट्स के लिए क्या कुछ घाटा होता है डेस्टिनेशन प्लेस पर. ये फाइंड किया गया और ये स्टडी यहाँ पब्लिश किया गया. देखिए स्टूडेंट्स, सर्कुलर माइग्रेशन विद इन इंडिया, इन इंडिया इंटरनल माइग्रेशन विच इज माइग्रेशन विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट हैज ऑलवेज बीन सर्कुलर. With the advent of jobs in the manufacturing, construction, and services, there has been a huge flow of migrants from rural areas to urban areas. ये देखिए, agreed? Now let me know, students. And in such scenarios, if you are not from a well-off family, will you be marginalized in the place of destination? Tell me, students. Yes. तो इसका मतलब साफ है, आप जहाँ जा रहे हैं destination place पर, if you are from a have-not. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल लेबर हैं आप मान लीजिए, या अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, यू विल फेस अनएम्प्लॉयड यूथ, यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स. यस, ये देखिए. तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होगा स्टूडेंट्स? पहली समस्या, दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, मार्जिनलाइज्ड इन द प्लेस, ये देखिए. सेकेंड, लिविंग इन स्लम एरियाज, यस, वेरी पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये देखिए वेरी पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स. एंड फोर्थ पॉइंट, अनेबल टू दिस मिक्स विद द लोकल पॉपुलेशन, ये देखिए. एंड फिफ्थ पॉइंट, फेसिंग कंफ्लिक्ट और रिफ्ट या सेग्रीगेशन, ये देखिए. एग्रीड? ये देखिए segregation. Got it? Circular migration चल रहा है इंडिया में. लेकिन ये नया कीवर्ड हम लोग आज क्यों पढ़ रहे हैं द हिंदू में? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज कह रही हैं कि अब सर्कुलर माइग्रेशन होना चाहिए. अच्छा, कहां पर? ग्लोबल लेवल पर. सो डेवलप्ड कंट्रीज आर सेइंग ग्लोबल लेवल लेट्स गो फॉर सर्कुलर माइग्रेशन. क्या बात है, ये देखिए. लगे ये क्यों सर? क्योंकि ये कंट्रीज में, ये कंट्रीज कह रही हैं बहुत समस्या हो. चलिए भाई, पहला एथनिक प्रॉब्लम्स, ये देखिए. मैंने एग्जांपल दिया था ना, यूके में आप निकल रहे हैं बाहर अपनी कॉलोनी में, घर से बाहर निकले, आप यूके के रेसिडेंट हैं और बाहर क्रिकेट मैच का बोर्ड लगा हुआ है. इंडिया में क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, और अचानक इंडिया की तरफ से कोई भी क्रिकेटर, मान लीजिए आज इस बार का जो वर्ल्ड कप खेल रहा है, सेंचुरी मार दिया, 6-4 लगा रहा है, रन इंडिया का 400 के पार हो गया 50 ओवर्स में, नहीं 50 ओवर्स में 400 के पार हो गया है, एंड यू आर फेसिंग लाइक यार सब कोई हल्ला मचा रहा है, इसमें दुख होना चाहिए. तब आपको मालूम चलता है आप यूके में रहकर भी यूके में नहीं है. एथनिक प्रॉब्लम्स, एथनिक क्राइसिस, एथनिक आइडेंटिटी, ये देखिए, इज इन डीप क्राइसिस इन यूके. डू यू एग्री? टेल मी. यस यस तरुण, ये सर्कुलर माइग्रेशन है. लेकिन तो नोट कीजिएगा, सर्कुलर माइग्रेशन में टेम्पररी रेसिडेंस होना चाहिए, नॉट परमानेंट रेसिडेंस.
अगर मैं पुणे में ही रह गया और मैं पुणे में मैंने घर बना लिया तो माइग्रेशन खत्म हो गया वहीं पर. गॉट इट. टेम्पररी रेसिडेंस इन पुणे, मैं आकर रह रहा हूँ फिर मैं ओरिजिनली अपने घर जा रहा हूँ, इसे कहते हैं सर्कुलर माइग्रेशन. क्लियर? तो एथनिक प्रॉब्लम्स राइजिंग अप. यस. सेकेंड पॉइंट, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट. थर्ड पॉइंट, परचेज ऑफ एसेट्स. बाहर के लोग कह रहे हैं ये सारा घर खरीद लिया इंडियंस ने आकर यहाँ पर, या साउथ एशियंस ने, इंग्लैंड में, यूएस में, कनाडा में. ओके. परचेज ऑफ एसेट्स, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, एथनिक प्रॉब्लम्स एंड एथनिक क्राइसिस. यस. एंड फोर्थ पॉइंट, दीज कंट्रीज आर सेइंग दैट ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट यील्डेड डिविडेंड्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज. ये देखिए, फॉर डेवलप्ड कंट्रीज. अब देखिए, इंडियंस बहुत मेहनती हैं. नहीं, मुझे बताइए, सब कोई नहीं है. यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स मेहनती हैं और बाकी लोग जो लोग काम कर रहे हैं दिन रात, वो लोग मेहनती हैं. यस, इन द ऑफिस, गिविंग सम इनोवेशंस. यस. सो आउट देयर इफ दे आर हैविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर गोइंग आउटसाइड अब्रॉड, दे गो आउट. एंड इन दैट सिनारियो द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन फेसेस प्रॉब्लम्स. ही देखिए, और यही वजह है दैट द इंटरनेशनल कंट्रीज आर सेइंग दैट नहीं भाई, अब सर्कुलर माइग्रेशन ही सही रहेगा. ये देखिए यहाँ पर, विद इंक्रीजिंग फ्लूइड मूवमेंट ऑफ पीपल, पॉलिसी अराउंड माइग्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेट्स इन द वर्ल्ड. द मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम ग्लोबल साउथ टू द वेस्ट इन सर्च ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट और अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड क्रिएट्स ब्रेन ड्रेन फॉर देयर ओरिजिन कंट्रीज एंड कॉम्पिटिशन फॉर सिटीजन्स ऑफ डेस्टिनेशन कंट्रीज. इसीलिए कहा जा रहा है सर्कुलर माइग्रेशन इज द बेस्ट वे आउट. Is now seen as the best way forward as needs of development and individual economic advancements can be balanced out. It is seen as a balanced migration method which looks at migration not only from the point of view of the receiving country but also of the sending nation. So kaha ja raha hai visa diya jayega temporary, ab permanent visas khatam, khalas, band. America nahi aana hai, Canada nahi aana hai. Yahan aaiye, fir wapas jaiye. Fir yahan aaiye, fir wapas jaiye. बात समझ में आ रही है? टेल मी स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, देखिए माइग्रेशन से हुआ क्या है वहां पर, परमानेंट माइग्रेशन से वेस्ट की कंट्रीज में. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ होस्ट कंट्रीज स्पेशली दोज ऑफ द वेस्ट, अ लेसर पॉपुलेशन एंड अ हायर एक्सेस टू एजुकेशन हैज रिजल्टेड इन अ लार्ज डर्थ ऑफ लो इनकम लो स्किल जॉब्स विच माइग्रेंट्स हैव बीन एबल टू फिल. ये देखिए, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज. और यही वजह है, ठीक है, लेबर के कारण वहां पर, लेबर नीड्स के कारण यहां से माइग्रेशन हुआ है और वहां पर एथनिक क्राइसिस शुरू हो गया है. वहां के लोगों को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है. ये देखिए, सो लेबर नीड्स, ये देखिए, लेबर नीड्स लीडिंग टुवर्ड्स एथनिक क्राइसिस. ये देखिए, बात समझ में आ रही है? टेल मी स्टूडेंट्स. यही पर वो कंट्रीज कह रही है हमारे यहां लोग आकर काम करें, पैसा ले, खूब पैसा देंगे, फिर वापस अपने घर चले जाएं, फिर आकर काम करें, फिर पैसा ले, फिर वापस अपने घर चले जाएं, और ऐसा चलता रहे, कोई परमानेंटली यहाँ आकर रेसाइड ना करे. इन शॉर्ट, दे आर प्रमोटिंग द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर माइग्रेशन फॉर द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ. लेट मी नो स्टूडेंट्स, क्या आप इसको सब प्रमोट कर रहे हैं या नहीं प्रमोट कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए. तो यहां सवाल पे सवाल आए हैं. बहुत अच्छा, तरुण ने भी पॉइंट्स पुटअप किया है एंड कमरान ने भी बहुत अच्छा पॉइंट पुटअप किया है. इसमें सर्कुलर माइग्रेशन में दिक्कतें आएंगी, वीज़ा ख़त्म हो जाएगा फिर भी वहाँ रुके हुए हैं, कौन ये सब देखेगा, बहुत दिक्कत आएगी. करेक्ट. प्रिंस ने पुटअप किया है कि इफ़ समवन मैरिज एन अमेरिकन गर्ल विल ही ऑल्सो नॉट गेट अ परमानेंट वीज़ा. भाई आपका तो सवाल ही बहुत स्पेसिफिक और बहुत टू द पॉइंट है. ओके, तो चलिए मैं बता दूं, इस सिनारियो में वीज़ा मिलता है और बाद में रेसिडेंस भी मिल जाएगा. ओके, सो दैट इज अनदर वे आउट इफ यू वांट टू गो एंड रेसाइड इन यूएसए. ओके, सवाल यही है स्टूडेंट्स कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज कह रही हैं कि, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज नहीं, लोग कह रहे हैं कि जब हमें टेम्पररी वहाँ रेसिडेंस मिलेगा फिर वापस आएंगे तो फैमिली का क्या. सेकंड पॉइंट, क्या हम लोग भी मार्जिनलाइज रहेंगे वहां पर? यस. होगा? नहीं?
तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, मैं बता दूँ आपको सर्कुलर माइग्रेंट्स में प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं। ये देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर माइग्रेशन, व्हाई इज इट बीइंग सीन एज अ वे फॉरवर्ड एट द ग्लोबल लेवल। ये फायदे देखिए, कंट्री को फायदा होगा, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, दोनों जगह फायदा होगा, लेकिन माइग्रेंट्स पर नेगेटिव असर पड़ेगा। डू यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स। ये देखिए, और यही माइग्रेंट सर्कुलर माइग्रेंट्स पर असर क्या पड़ेगा, आप लोगों ने अभी देखा इंडिया के अंदर क्या असर पड़ता है, वही होगा। एग्रीड। तो यहां से एक सवाल साफ साफ इंडियन सोसाइटी और इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है, ये देखिए ये देखिए, व्हाट इज सर्कुलर माइग्रेशन एंड व्हाई इज इट बीइंग सीन एज अ वे फॉरवर्ड एट द ग्लोबल लेवल, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय सर्कुलर माइग्रेंट्स। ये देखिए, इज इट क्लियर, 10 मार्क्स ऑन 50 वर्ड्स, मुझे बताइए बच्चा लोग, टेल मी स्टूडेंट्स। मुझे बताइए फटाफट, क्या ये क्लियर हो गया टॉपिक? तो चलिए सेकेंड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सब ने खिंचाई शुरू कर दी है चैट बॉक्स में, आई डेंट मीन दैट ओके कि एवरीवन गेट्स अपॉर्चुनिटी टू टेक आउट दिस, अगर डिस्कशन शुरू हुआ तो उसके ऊपर मजाक उड़ाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। माइग्रेशन की बात चल रही है और कुछ लोग अगर स्पेस में माइग्रेशन की बात सोच रहे हैं तो आइए देखा जाए, स्पेस में भी जाने का प्लान है तो रेडी हो जाइए। किसका प्लान है मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में। लैग्रेंज पॉइंट्स L4 और L5 पे जाकर आप बैठ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अरे सर कैसे? अरे बिल्कुल बैठ सकते हैं, वहां पर वो परमानेंट ग्रेविटेशनल पुल जीरो है वहां पर, ओके। तो प्लान है किसी का, आइए देखा जाए। सोलार सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट्स, साइंस एंड टेक का टॉपिक मुझे लग रहा है, लेकिन सोसाइटी में भी टॉपिक कल को ये डील करना पड़ेगा। सीइंग द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द न्यूज कमिंग अप एंड UPSC, कल को सोसाइटी इंटर प्लानिटरी माइग्रेशन, ये देखिए ये देखिए। तो आइए बढ़ चला जाए, ओके। इनफैक्ट जिस माइग्रेशन स्पेस में माइग्रेशन और टूरिज्म की बात की जाए तो इट थ्रिल्स, यस। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, L1, L2, L3, L4, L5, लेट्स सी some of the most amazing phenomena in nature, from electromagnetic radiation and infrared vision to subatomic particles and cosmic rays are invisible and we get to know them only through various applications. वैसे Lagrange points है, invisible है, ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है कि मैं Lagrange point number one हूँ, आकर यहाँ बैठ जाओ, gravitational pull zero है, नहीं। ये सब पता लगाने वाला जो शख्सियत था उसका नाम है इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज। ये देखिए, 1736 में ट्यूरिन इटाली में जन्म हुआ इसका, ट्यूरिन इज द डेट्रॉयट ऑफ इटाली। देखिए क्या बात है, ज्योग्राफी का भी आपका कंटेक्स्ट यहाँ क्लियर हो रहा है, ये देखिए। और उसके बाद 17 साल के लैग्रेंज, ठीक है, उनके माता पिता चाहते थे कि ये लॉ पढ़े, लेकिन वो लॉ नहीं पढ़ा। बहुत वर्ष पहले वो अपने माता पिता का कहना नहीं माना, उसे अलजेब्रा थ्रिल करता था और अलजेब्रा पेपर देखकर, ठीक है, इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर ने जो एडमंड हेली ने पुट अप किया था अलजेब्रा पेपर, उसने डिसाइड कर लिया अब कुछ भी हो मुझे मैथमेटिशियन बनना है। फिर मैथमेटिशियन बन गया, ही वेंट ऑन टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स ऑफ एनालिटिकल नंबर थ्योरी, सेलेस्टियल मैकेनिक्स, बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट इस टाइम, एंड फिर बर्लिन मूव कर गया ये बंदा। वहाँ से फिर ये मैथ्स का एप्लीकेशन शुरू किया स्पेस में, और वहाँ पर ये जोसेफ लुइस लैग्रेंज के सामने एक सवाल, ये देखिए, थ्री बॉडी प्रॉब्लम इसने इन्वेस्टिगेट किया। द मोशन ऑफ थ्री बॉडीज विद मास रिलेटिव टू ईच अदर इन स्पेस, सच एज सन, अर्थ एंड मून, द प्रॉब्लम क्वेश्चन विच अरोज इन फ्रंट ऑफ लैग्रेंज वॉज, If you know the starting positions of Sun, Earth and Moon, can you predict their exact locations at a later date as they move under the influence of each other's gravity? ये देखिए, तो क्या later date पर कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, इसको लेकर लैग्रेंज चिंतित, हैरान, परेशान, रोज सुबह उठता था, सोचता था क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि आज ये तीनों यहाँ पर हैं? कौन तीनों? अरे सन, अर्थ और मून, ओके। आज से
थ्री मंथ्स के बाद कहाँ पर रहेंगे, लोकेशन स्पेसिफिक क्या रहेगा, क्योंकि इनका मूवमेंट एक दूसरे की ग्रेविटेशन पुल पर मेंटेन्ड है। एग्री कर रहे हैं? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये देखिए। उसके बाद लैग्रेंज ने प्रॉब्लम खोज निकाला, प्रॉब्लम तो खोजा ही गया था, सॉल्यूशन खोज निकाला। उसने कहा इन तीन बॉडीज को अगर एक बॉडी को नेग्लिजिबल मास का मान लिया जाए तो दो बॉडीज की ग्रेविटेशनल पुल कहाँ कैंसिल होती है और लोकेशन कहाँ ठीक रहेगा, इसका मैंने पता लगा लिया। ये देखिए, सो लैग्रेंज फाउंड दैट द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड इफ ही अज्यूम द थर्ड बॉडी वाज मच स्मॉलर देन द अदर टू लार्ज मासेस। दिस इवेंचुअली लेड हिम टू डिस्क्राइब फेमस फाइव लैग्रेंज पॉइंट्स दैट वी नो टुडे एज L1, L2, L3, L4 एंड L5। In any three body system, three of these Lagrange points, L1, L2 and L3 are unstable positions. The other two, L4 and L5 are stable locations that form the apex of two imaginary equilateral triangles. ये देखिए, L1, L2, L3 temporary है, वहाँ जाने का सोचिएगा भी मत। वहाँ गए, means plan किए, सर मुझे Lagrange point में जाकर space colony बसानी है, ठीक है, वहाँ गए। L1 पॉइंट या L2 पॉइंट या L3 पॉइंट टेम्पररी रहता है, मूव कीजिएगा गिर जाएगा, हल्का सा भी कुछ डिफरेंसेस आएंगे गिर जाएंगे, वहाँ पर गिर जाएंगे किधर, सन के अंदर जाकर या पृथ्वी के अंदर आकर, ये डिपेंड करेगा। L4 एंड L5 आर एग्जैक्ट लोकेशन, ये दिस एग्जैक्ट स्टैटिक पॉइंट्स। देखिए, ऑब्जेक्ट स्टे अनडिस्टर्ब्ड एट L4 और L5 बिकॉज ऑफ अ रेस्टोरिंग फोर्स। यू कैन सी इट हियर, a force acting against any displacement that prevents them from being nudged away from a stable point. Because of the stability, however, L4 and L5 also tend to accumulate a lot of dust and asteroids called trojans that zip across the points. और इसी वजह है, इसी वजह से L4 और L5 पर पहले से asteroids बैठे हुए हैं। Yes, 10,000 trojans L4 और L5 point पर हैं। ये देखिए, Sun Jupiter system के बीच में। Okay. Yes, शायद ये वही है asteroid belt. Do you agree? Tell me, students. Astronomers have also found 4 trojans at Lagrange points around Mars and 8 at L4 and L5 positions around Neptune. One of Saturn's larger moon, Tethys, even has 2 moonlets at its Lagrange points. कितना research कर लिया गया देखिए। On the other hand, an object positioned at one of the 3 unstable Lagrange points, L1, L2 and L3 can be easily deorbited by even weak forces that will then drift off into the space. तो हल्का सा disruption चाहिए और गए काम से। तो आप बताइए students, अगर आपसे कोई पूछेगा कि migration करना है, वहाँ जाकर रहना है, तो कहाँ रहिएगा, L1, L2, L3 पर या L4 और L5 पर, मुझे बताइए। Where will you prefer living out there? Tell me. तो ये देखिए, लैग्रेंज पॉइंट अगर ज्योग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस फिजिक्स से डिफाइन किया जाए, दे आर फाउंड अलोंग द प्लेन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर देयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैंसल ईच अदर, सो दैट अ थर्ड बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल मास विल रिमेन एट रेस्ट बिटवीन देम। देख रहे हैं, ये है कंप्लीट। नेग्लिजिबल मास का जो थर्ड बॉडी है वो स्टेबल रहेगा वहां पर, और ये दो बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच का पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट्स। क्लियर हुआ? मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स। सो दिस इज इट एट दिस, और यही वजह है दैट L1, L2, L3 और L4, L5 में फर्क है स्टूडेंट्स यहां पर। भाई L4 L5 में रहिएगा ना, L1 में क्यों रहिएगा आप लोग? L1 में रहने से क्या, सन में गिरना है या पृथ्वी पर आना है वापस, मुझे बताइए। सो इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द सोलार सिस्टम ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स। एंड इसी वजह से कल को अगर जो मैंने ये टॉपिक मैंने छेड़ा क्योंकि द हिंदू में ये डिटेल्स आए हुए, कल को स्पेस कॉलोनीज L4 और L5 पर ही आएंगी क्योंकि ये स्टेबल पॉइंट्स हैं। ये देखिए, सो L4 एंड L5 कल को लोकेशन एड्रेस लिख लीजिए, पता लिख लीजिए। जैसे ही पता कोई पूछेगा आपसे कि तुम कहाँ रहते हो, बोल दीजिएगा 10 साल बाद का ये पता है मेरा, L4 पिन कोड इतना, ठीक है, बिटवीन सन एंड जुपिटर इस जगह पर, दैट्स इट, गॉट इट।
It will make habitable space stations can be made on L4 and L5. ये देखिए, using resources mined from the moon or an asteroid. You can see it here, students. Is it clear? Let me know. तो आदित्य L1 सोलार मिशन भेजा गया है, L1 पॉइंट पर है, देखिए जाकर रखा गया पार्किंग स्लॉट में दिस. और यहाँ पर क्या और भी कुछ हैं, और भी एक्सप्लोरर्स हैं, रोबोटिक एक्सप्लोरर्स, नासाज सोलार एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट प्रीलिम्स में आ सकता है, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी, एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर एंड ग्लोबल जियो स्पेस साइंस विंड सैटेलाइट. ये देखिए, लेकिन अभी US और भी 3 प्रोब्स लॉन्च करेगा, मतलब उसके बाद इन लोगों का वही कंडीशन हो जाए जैसा आपका कंडीशन होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सीट एक है, सीट दो है, 10 लोग हैं. तो ये देखिए यहाँ पर US इज गोइंग टू लॉन्च 3 मोर प्रोब्स, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर, स्पेस वेदर फॉलोअर लैग्रेंज 1. ये देखिए ये तीनों, और यूरोपियन विजिल मिशन, ये देखिए लॉन्च हो रहा है, ये सब लैग्रेंज पॉइंट पे जाकर बैठ जाएंगे. क्लियर है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स. So this is it about. What do you understand by Lagrange points? Examine their significance. Is it clear? क्या L4, L5 बता दीजिएगा आप लोग students, मुझे बताइए. ये देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं. ये दो topic हुआ, circular migration, Lagrange points. आगे बढ़ते हैं, देखिए Pierre Agostini, Ferenc Krauss and Anne L. Wheeler have been awarded the 2023 Physics Nobel Prize. We are going to see their contribution tomorrow. ये देखिए, इन्होंने दिस एटो सेकेंड लाइट पल्सेस इलेक्ट्रॉन्स और उस रिलेटेड एटो सेकेंड फिजिक्स प्रोवाइड साइंटिस्ट विद द एबिलिटी टू लुक एट द माइन्यूटेस्ट पार्टिकल्स एट द शॉर्टेस्ट टाइम स्केल. ये देखिए, इसी पर रिसर्च इन लोगों ने किया, एटो सेकेंड फिजिक्स. ये देखिए क्या बात है, ये देखिए पार्कर सोलार प्रोब का क्या हुआ, अंकित पूछ रहे हैं. यहाँ फिलहाल जितने प्रोब्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, इतना मैंने बता दिया है. तो एटो सेकेंड, ये देखिए स्टूडेंट्स, एटो सेकेंड, एटो सेकेंड क्या होता है मैं बता दूं, 1:1 था. देखिए याद कीजिए, कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ये सी सेट कुछ जानते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. 1 attosecond by 1 second इज इक्वल टू 1 second बाई एज ऑफ यूनिवर्स. सोचिए कितने माइन्यूटेस्ट टाइम स्केल पर ये लोग पता लगा रहे हैं. देखिए क्या बात है स्टूडेंट्स, एटो सेकेंड फिजिक्स कितना आगे बढ़ गया संसार. ये देखिए एटो सेकेंड फिजिक्स, अल्ट्रा फास्ट लेजर पल्सेस. ये देखिए, तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट है, टेल मी. 1 attosecond by 1 second इज इक्वल टू 1 second by age ऑफ द यूनिवर्स. ये जितना रेशियो है वही रेशियो यहां पर भी है, सोच लीजिए. देखिए सी सेट का रोल, देखिए यहां पर. चलिए आगे बढ़ते स्टूडेंट्स. ओके, तो 650 attosecond ड्यूरेशन का इन्होंने सिंगल पल्स निकाला था, आइसोलेट किया था डॉक्टर क्रॉश ने. क्या बात है, ये लोग कौन से लोग हैं, ये कौन हैं, ये लोग कहां से आते हैं, ये देखिए, हैव अ लुक. आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कल इनका कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, एस्टेरॉयड सैंपल 2 दिन पहले आया था, टॉपिक रखा हुआ था, आज डील कर लिया जाए, देखा जाए स्टूडेंट्स. सो एस्टेरॉयड सैंपल्स बेनु एस्टेरॉयड से लेकर आया है ओसिरिस REX नासा का मिशन. ये देखिए, और इसने कैप्सूल वापस भेज दिया और पूछा गया तुम नहीं आओगे, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी दूसरी जगह जाना है मुझे. इसके पहले ओनली जापान इज द ओनली कंट्री टू ब्रिंग बैक एस्टेरॉयड सैंपल्स गैदर्ड अबाउट अ टीस्पून इन अ पेयर ऑफ एस्टेरॉयड मिशन. देखिए जापान, क्या मिशन का नाम था मुझे बताइए, रुगियो एस्टेरॉयड था. देखिए थोड़ा देखिएगा कौन सा एस्टेरॉयड था, एंड शायद दिस हायाबुसा मिशन था, देख लीजिएगा विच मिशन. So you can see it here students, this Osiris REX, ये देखिए. तो NASA का ये मिशन अभी आगे बढ़ गया है, कहाँ आगे बढ़ा ये देखिए. Currently orbiting the sun at 81 million kilometers from earth,
Benue is about one half of kilometer, one third of a mile across, roughly the size of Empire State Building, but shaped like a spinning top. It is believed to be broken fragment of a much larger asteroid. ये देखिए, Osiris REx is now chasing the asteroid Apophis. ये देखिए, have a look. Apophis will reach in 2029. Apophis ने कहा, अब तुम मेरे पास भी आ रहे हो. Osiris REx ने कहा, बिल्कुल. वहाँ से भी कुछ मिट्टी उठाएंगे और फिर वापस जाना है मुझे. सोचिए ये मल्टीपल मिशन स्पेस में कितना आगे बढ़ गया इंसान. नहीं, ये देखिए. सो ड्यूरिंग अ 2 ईयर सर्वे Osiris REx फाउंड बेनी टू बी अ चंकी रबल पाइल फुल ऑफ बोल्डर्स एंड क्रेटर्स. सरफेस वॉज सो लूज दैट द स्पेसक्राफ्ट्स वैक्यूम आर्म सैंक अ फुट और टू इनटू द एस्टेरॉयड सकिंग अप मोर मटेरियल देन एंटिसिपेटेड एंड जैमिंग द लिड. ये देखिए, बालू रखा हुआ था वहां पर, मिट्टी थी ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स. ये देखिए, so this is it out here. So this was NASA's third sample return from a deep space robotic mission. इसके पहले Genesis spacecraft and Stardust spacecraft. ये देखिए, successfully इन लोगों ने उठाया था samples. ये NASA का third mission है Osiris REx. ये देखिए, mission clear. Let me know students. तो अब आपसे एक सवाल, ये एस्टेरॉयड से जाकर सैंपल उठाने का एम, सैंपल उठाया गया और उसका एम क्या है मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स. इससे कुछ फायदे होंगे या नहीं होंगे मुझे बता दीजिए. चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं. ये एस्टेरॉयड मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जापान एंड नासा, यूएस ओनली टू कंट्रीज अभी तक. शायद इंडिया आगे चलकर उस फील्ड में आगे बढ़े, अभी फिलहाल नहीं आगे बढ़ना है. जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए पहला न्यूज आ गया स्टूडेंट्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट टू एक्सेलरेट कैंसर स्क्रीनिंग मेजर्स ट्रीटमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये देखिए, 2020 से 40 के बीच में इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस 57.5% राइज इन कैंसर केसेस. क्या बात है, ये देखिए, क्या ये चिंता की बात है? और सर ये आप ऐसे बता रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं क्या? अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, चिंता की बात है स्टूडेंट्स. कैंसर ट्यूमर 57.5% राइज. ये देखिए, इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ परेशानी तो तेजी से आएगी इंडिया में. और इसका मतलब है लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्क्रीनिंग मेजर शुड कम अप. डू यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स. ये देखिए, और अगर यहां पर एआई और रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो गया तो यूपीएससी का तो जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर दीजिए जो इस बार आया था, यूज ऑफ एआई इन क्लिनिकल डायग्नोसिस. कैंसर का ही तो सबसे पहला क्लिनिकल डायग्नोसिस में एआई का रोल आया हुआ है स्टूडेंट्स. कहां लिखा है? नीति आयोग एआई रिपोर्ट, दैट इज इट. आइए आगे बढ़ते हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फिलहाल कौन सा एजेंसी है देख लीजिए. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स, एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड. उनके देखिए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसके हेड हैं डॉक्टर राजीव बहल. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एपेक्स बॉडी है इंडिया में मेडिकल फील्ड में. ये देखिए, आइए आगे बढ़ चला जाए. नेक्स्ट टॉपिक, न्यूज क्लिक फाउंडर अरेस्टेड UAPA नॉर्म्स के तहत. और ये देखिए, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ न्यूज क्लिक प्रवीर पुर्क अस्था बिंग ब्रॉट टू दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल. 200 पुलिस के ऑफिशियल्स को पहले तैयार किया गया, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स को 2 AM पर इनका मीटिंग होता है और फिर छापा पड़ता है न्यूज क्लिक. न्यूज क्लिक का जो मीडिया एजेंसी है उसके ऑफिस पर रेड्स आर डन. न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक, ये देखिए, और ये तुरंत अरेस्ट करके लोगों को ले जाया जाता है. इनसे पूछा जाता है, जर्नलिस्ट से पूछा जाता है, आपका रोल क्या था दिल्ली के कम्युनल राइट्स को लेकर. ठीक है, मींस आप सवाल पूछा जाता है दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एजिटेशन को लेकर, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर,
और क्या सिग्नल या बाकी एनक्रिप्टिंग एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये देखिए। और उसके बाद इन पर FIR दर्ज होता है अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ UAPA एंड IPC। ये देखिए, आपने कहा सर ये पॉलिटिकल न्यूज़ है क्या, ये प्रशासनिक न्यूज़ है, क्योंकि आपको UAPA और IPC पता रहना ज़रूरी है। देखिए इंडियन पिनल कोड 153A एंड 122B। 153A डील्स विद प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस लैंग्वेज एटसेट्रा। ये देखिए, और 122B और UAPA 13, 16, 18, 20, 22 डील्स विद टेरर टेररिज्म। ये देखिए, एंड मींस टेररिज्म को काउंटर करने के मेजर्स इसमें दिए गए हैं। दैट्स इट, इज इट क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो UAPA और इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड भी यहाँ पर उसके प्रोविजंस भी स्लैप किए गए हैं न्यूज़ क्लिक के ऊपर। ये देखिए, क्या क्लियर है स्टूडेंट्स, मुझे बता दीजिए। Got it. Yes, yes, Tarun. मैं बता दूं दैट अगर UAPA के प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यूज करना है, ये दे कैन यूज इट, यस। लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, मैं बता दूं, UAPA में सेक्शन 13, इसको यूज करने के लिए किसी को भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो यूज इट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओनली सेक्शन 13 इज नॉट अलाउड फॉर द स्टेट्स। यू कैन सी इट हियर, देख लीजिएगा। क्लियर, मुझे बता दीजिए। तो UAPA सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करे या स्टेट गवर्नमेंट, सिटीजन पे यूज होगा ना, अक्रॉस द कंट्री, दैट्स इट। सो सेक्शन 13 इज ओनली डीलिंग विद द टेररिज्म, इट कैन ओनली बी यूज बाय द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स इट। द रिमेनिंग प्रोविजंस कैन बी यूज्ड, ओके। और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये यूज किया है दिल्ली पुलिस, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर में आती है, न्यूज क्लिक पर स्लैप करने के लिए। ये दिस यू कैन सी UAPA सेक्शन 20, 21, 22। ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। आइए आगे पढ़ा जाए, इस टॉपिक को कहाँ लिखिएगा। UAPA पर कुछ आ गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और ये फंडामेंटल राइट्स, इसके तहत जो अरेस्टेड पीपल हैं उनको कौन से आर्टिकल के तहत उपलब्ध है, आर्टिकल 22। ये देखिए, नोट कर लीजिए, लेट्स सी, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन के राइट्स वहीं पर मेंशन है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ गवर्नमेंट एजेंसीज यूज कमर्शियल स्पाईवेयर टू टारगेट ओपोनेंट्स। ये देखिए, कल आया था न्यूज़ में, मई और सितंबर के बीच में फॉर्मर इजिप्शियन MP अहमद एल्तान तवी वाज टारगेटेड विद सिट्रॉक्स प्रीडेटर स्पाईवेयर सेंट वाया लिंक्स ऑन SMS एंड व्हाट्सएप। और जैसे ही ये सिट्रॉक्स का प्रेडेटर स्पाईवेयर न्यूज में आया, तुरंत फटाफट पेगासस प्रोजेक्ट न्यूज में आना शुरू हो गया। स्टूडेंट्स ये देखिए, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्पाईवेयर वाज यूज्ड फॉर सर्विंग पॉलिटिकल ओपोनेंट इन द कंट्री। एंड पेगासस में 50,000 फोन नंबर्स इन 50 कंट्रीज हैव बीन द पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ स्पाईवेयर। ये देखिए, रिपोर्ट शेयर दैट विक्टिम्स ऑफ द स्पाईवेयर अटैक्स वर इन इंडिया, अजरबैजान, बहरीन, हंगरी, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब एंड UAE। ये देखिए यहां पर, पेगासस स्पाईवेयर वाज आल्सो रिपोर्टेडली यूज्ड बाय किंगडम ऑफ सऊदी अरब MBS मोहम्मद बिन सलमान टू टारगेट जर्नलिस्ट जमाल खशोगीज वाइफ मंथ बिफोर हिज डेथ। मिस्टर खशोगी, अ US रेसिडेंट, वाज मर्डर्ड एट सऊदी कंसुलेट इन इस्तांबुल। He was a known critic of Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman. ये देखिए students, फिर से news में, what is a spyware? अब आ सकता है students, science and tech में भी आ सकता है, governance में भी आ सकता है। Spyware is a loosely defined as malicious software designed to enter a device, gather data, forward it to third party without the user's consent. Note कर लीजिएगा, very important। ये देखिए,
While spyware may be used for commercial purposes like advertising, malicious spyware is used to profit from data stolen from victims' devices. ये देखिए, data stole कर लिया, UPSC तैयारी कर रहा है, notes पूरा prepare करके रखे हुए हैं, मान लीजिए, सोच रहे हैं इस पर rank one आएगा, मालूम चला, आया, data निकाला, आपके enemy को मिल गया, और उसने आपके सारे notes छाप दिए वहाँ पर, ये देखिए, data चोरी करके किसी और को फायदा पहुँचाना. Spyware is broadly categorized as Trojan spyware, adware, tracking cookie, and system monitors. ये देखिए. While each type of spyware gathers data for the author, system monitors and adware are more harmful as they make modifications to a device software and expose the device to further threats. ये note कर लीजिएगा. ये देखिए यहाँ पर adware and system monitors. ये देखिए. ये change करते हैं आपका device ही. दिक्कत की बात. Got it. What is commercial spyware? ये देखिए. Commercial spyware mainly targets mobile platforms and can legitimately be used against criminals and terrorists. तो ये malicious spyware 1990 से चल रहा है आपका password, financial information steal करने के लिए. लेकिन अब commercial spywares आ गए हैं और ये इसलिए आ गए हैं क्योंकि lack of global regulations for companies developing spyware. तो ये तो बेच रहे हैं. जैसे वो कंपनी थी ना, क्या नाम इसका, ये देखिए यहाँ पर NSO ग्रुप, देखिए Pegasus, ये देखिए कमर्शियल मींस आप जाकर खरीद रहे हैं, अरे मुझे दे दो, कितने का है, 500 करोड़ का. अरे यार 500 करोड़ तो बहुत होते हैं, खैर दे दो, देख लेंगे हम. क्या यही चल रहा है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स. कमर्शियल स्पाईवेयर, इट हैज बिकम अ बिजनेस नाउ. क्या बात है, किस तरफ जा रही दुनिया, किस तरफ जा रहा संसार, कितना बदल गया इंसान. ये देखिए यहां पर, ये इट कैन नॉट ओनली मॉप अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस बट आल्सो टर्न ऑन द कैमरा एंड माइक्रोफोन विदाउट द ओनर्स नॉलेज एंड टर्न हैंडसेट्स इनटू अ स्पाइंग डिवाइस. क्या बात, पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं नोट्स, सोच रहे हैं वैल्यू एडिशन, इससे बेहतर तो कोई इंडिया में नहीं कर पाएगा, इस बार तो आना ही है. मान जरा कैमरा ऑन, माइक्रोफोन ऑन, और उसके बाद नोट हो गया वहां से. क्या ये चिंता की बात है स्टूडेंट्स, मैं छोटे स्तर पे बता रहा हूं, देखिए कितना ज्यादा इंपैक्ट इसका. ये देखिए, हाउ आर द डिवाइसेस टारगेटेड, ये देखिए. सो इन्वेस्टिगेशन बाय सिटीजन लैब एंड गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप रिवील्ड दैट स्पाईवेयर ऑन द फॉर्मर इजिप्शियन एमपी डिवाइस वाज डिलीवर्ड बाय नेटवर्क इंजेक्शन फ्रॉम अ डिवाइस लोकेटेड इनसाइड इजिप्ट. ये देखिए, नेटवर्क इंजेक्शन अटैक. क्या बात है, यानी when he visited certain websites without HTTPS from his phone using his Vodafone Egypt mobile data connection, the predator software was injected with the spyware. ये देखिए, दिक्कत की बात. इतना ही नहीं, the spyware in India, Pegasus के बारे में जो findings हुई थी, used against at least 40 journalists, cabinet ministers and holders of constitutional positions. According to reports in the Washington Post, the spyware was delivered to the victims' phones by exploiting zero-day vulnerabilities, which means even the device manufacturer was unaware of these exploits. ये देखिए, इसका मतलब साफ है that manufacturer को भी नहीं पता है कैसे change हो गया सब कुछ. ये देखिए, जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वी नीड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर साइबर सिक्योरिटी. ये देखिए, अब वायरस इंजेक्ट करके चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, अब स्पाइंग किया जा रहा है, और ये दिक्कत की बात है स्टूडेंट्स. ये देखिए, यहां से प्रिलिम्स का क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो डे वल्नरेबिलिटीज. ये देखिए, जीरो डे का मतलब ये नहीं होता कि सेम डे नेटवर्क इंजेक्शन, नो, ठीक है, इट मींस मैन्युफैक्चरर इज आल्सो नॉट नोइंग अबाउट द, ठीक है, द डिवाइस एक्सप्लॉइट्स, दैट्स इट. ये देखिए, तो क्या ऑटोक्रेटिक रेजिम्स ने ये सब परचेज किया था, यही लिखा हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट में. देखिए, परचेजिंग कमर्शियल स्पाइवेयर और डिजिटल फॉरेंसिक्स देन डेमोक्रेसीज, 44 रेजिम्स क्लासिफाइड एज closed autocracies or electoral autocracies are known to have procured targeted surveillance technologies. ये देखिए, दिक्कत की बात, और इसका मतलब साफ है, ठीक है, that ये
स्पाईवेयर बंद करना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, नहीं मुझे बताइए, डू दी स्पाईवेयर फॉर्म्स फेस बैकलैश? यस, पेगासस तो बंद हो, पेगासस के कारण एनएसओ बंद हो गया, बैंकरप्टसी पे चला गया, क्योंकि यूएस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। यूएस ने कहा कि इतना बड़ा धोखा, मैं इसराइल को पैसा दिया और इसराइल ने उसी पैसे से क्या बनाया, देखिए ये धोखा हो गया। लेकिन अब पेगासस की जगह पर दूसरे कंपनीज, एनएसओ की जगह पर दूसरे कंपनीज आ गए। देखिए, इवन बिफोर द पेगासस प्रोजेक्ट रेज एन अलार्म अबाउट द यूज ऑफ स्पाइवेयर बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जर्मनीज फिनफिशर एंड इटलीज हैकिंग टीम वर डोमिनेंट प्लेयर्स इन द मार्केट। देखिए छुपे हुए लोग, देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये देखिए दिक्कत की बात। इसराइल इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइवेयर एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। कल को मालूम चला फॉरेक्स अर्निंग हो रही है, फॉरेन करेंसी किसी से अर्न करते हो यार, फॉरेन करेंसी कुछ तो भेजते नहीं हो बाहर, भेजते तो है ना स्पाइवेयर, ये देखिए। सो स्पाइवेयर एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स, और इसका मतलब है थोड़ा सा दिक्कत, नहीं बहुत दिक्कत है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए क्या टेक जाइंट्स ने रिएक्ट किया है। मेटा, गूगल, एप्पल ने कहा गंभीर स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग, और एप्पल एंड गूगल अपडेटेड द सॉफ्टवेयर टू फिक्स द बग्स एक्सप्लॉइटेड बाय सिट्रॉक्स प्लेटर सॉफ्ट स्पाईवेयर। लेकिन कल कुछ और नया आएगा, और कुछ नया आएगा, हमेशा ऑन अलर्ट रहना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एप्पल ने iOS 16 में लॉकडाउन मोड रिलीज किया, ये देखिए। लेकिन ये कब तक चलेगा, हमेशा आगे आता आते रहना पड़ेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर, लेट मी नो स्टूडेंट्स। तो ये क्या स्पाईवेयर, एग्जामिन द नीड ऑफ अ ग्लोबल कन्वेंशन। टू टैकल द थ्रेट पोस्ड बाय, ये देखिए पोस्ड बाय कॉमर्शियल स्पाईवेयर। इज इट क्लियर, मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स। 10 marks on 50 minutes, ये देखिए, ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। द शट डाउन ऑफ द अफगान एम्बेसी, देखा जाए इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक, ठीक है, लेट्स सी दिस टॉपिक स्टूडेंट्स। द शट डाउन ऑफ द अफगान एम्बेसी, क्या ये एम्बेसी क्लोज डाउन किया गया? यस, दिल्ली में ये एम्बेसी क्लोज डाउन किया गया क्योंकि इसके पास अब रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन इसके कंसलेट्स दो जगह पर हैं, ये देखिए कंसलेट्स कहाँ पर, इसके हैदराबाद और मुंबई में, ये देखिए। द कंसलेट्स इन हैदराबाद एंड मुंबई हैव नॉट बीन शट डाउन, बट दैट मीन्स दे आर गोइंग टू सी इन टू द डिटेल्स ऑफ अफगान स्टूडेंट्स लिविंग हेयर। लेकिन दिक्कत है, अफगान हैज ट्रेडिशनली मेंटेन्ड एन एम्बेसी इन दिल्ली एंड 2 कंसलेट्स इन हैदराबाद एंड मुंबई। दिल्ली की तरफ से देखिए कितना ज़्यादा टेक्निकलिटीज देखिए चल रही हैं स्टूडेंट्स, मींस हमारी तरफ से, डिस्पाइट द क्लोजर ऑफ एम्बेसी इन दिल्ली, इंडिया एंड अफगानिस्तान आर कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट विद ईच अदर इन अ क्यूरियस वे। ये देखिए अजीब तरीके से, इंडिया हैज बीन मेंटेनिंग अ टेक्निकल टीम इन काबुल वेयर द स्टाफ प्रोवाइड्स वीजाज टू अफगान ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स टू इंडिया। दैट मींस फुल फ्लेज्ड टीम वहाँ लैकिंग है और लैगिंग है। यहाँ देखिए, देयर आर 2 weekly फ्लाइट्स दैट कैरी अफगान सिटीजंस एंड आइटम्स टू इंडिया। India uses the flights while sending humanitarian aid to the Afghan people. ये देखिए, these apart some Indian goods are also entering Afghanistan through some other countries like Iran and UAE. ये देखिए students, ये देखिए so and क्या इंडिया का ये stance सही है? मेरे हिसाब से सही है students, क्योंकि इंडिया ने तालिबान को official recognition नहीं दिया है। India has not recognized Taliban formally, but Indian diplomats have been engaged with the तालिबान सिंस द इमीडिएट aftermath ऑफ द फॉल ऑफ काबुल इन अगस्त 2021। अब एक क्लैरिटी बेस्ड अप्रोच डाला पड़ेगा इस जगह पर कि तालिबान को देना है कि नहीं स्टेटस, ठीक है, क्योंकि इधर तालिबान के रिश्ते सुधरते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, यूएई के साथ, रशिया के साथ, कतर के साथ, चाइना के साथ, और इंडिया को स्टेप्स लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स अगर अफगानिस्तान में अपना स्टेक्स रखना है। तो ये देखिए,
इन शॉर्ट इस न्यूज़ से कुछ ज़्यादा खास नहीं है, केवल आपको पता लगाना है हैदराबाद और मुंबई में कंसलेट्स हैं, एम्बेसी क्लोज हो गया अफगानिस्तान का यहाँ पर, इट्स वेरी वेरी दिस द करंट स्टेट इज़ अ क्यूरियस स्टेट। टेक्निकल टीम इंडिया की वहाँ बैठी हुई है या कंसलेट्स बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के, परेशानियाँ बढ़ चली हैं, बाकी कंट्रीज रिकॉग्निशन देने लगी हैं। इंडिया का स्टांस किस चीज़ से किस फैक्टर्स से प्रभावित हो रहा है वी डोंट नो, सो मेकिंग स्पेकुलेशंस इज नॉट द की आउट हियर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले पॉइंट की तरफ मूव किया जाए, और अगला पॉइंट क्या है देखिए स्टूडेंट्स, आर्मीनियाज पार्लियामेंट वोट्स टू जॉइन आईसीसी स्ट्रेनिंग टाइज विद अलाई रशिया। आर्मीनिया का ये तो होना ही था, ये देखिए। और सर क्यों ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि देखिए यहां कुछ चल रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए, नगोर्नो काराबाख स्टैंड ऑफ एंडेड, अजरबैजान ने पूरा कैप्चर कर लिया नगोर्नो काराबाख, ये देखिए पूरा कैप्चर हो गया स्टूडेंट्स, ये पूरा बेल्ट, ये देखिए लचिन कॉरिडोर, देखिए यहां पर अजरबैजान के अंदर, देखिए कहानी अब तक, पहले सुन लीजिए आप लोग कहानी अब तक, नगोर्नो काराबाख बेल्ट अजरबैजान के अंदर लोकेटेड है, ऑफिशियली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, ये देखिए ऑफिशियली, बट इट कंसिस्ट ऑफ आर्मेनियंस, ये देखिए इसकी कहानी 100 साल पहले शुरू होती है, बहुत वर्ष पहले, मैनी ईयर्स बैक, ये देखिए नगोर्नो काराबाख इज लोकेटेड विद इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ अजरबैजान, इट इज इन द साउथ काउकासस रीजन बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, स्पैनिंग द काउकासस माउंटेन्स विच इंक्लूड्स मॉडर्न डे आर्मीनिया अजरबैजान एंड जॉर्जिया। डू यू एग्री आर्मीनिया इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट? टेल मी स्टूडेंट्स, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अजेरीज एंड आर्मीनियंस गोज बैक अ सेंचुरी व्हेन द ऑटोमन्स, ऑटोमन्स तुर्किश, वही यहां रोल प्ले कर रहा है, बड़ा खिलाड़ी वही है यहां पर। Ottomans attacked the South Caucasus during World War I with the help of Azeris. They targeted ethnic Armenians during this attack and the conflict between Azerbaijan and Armenia went into a full-blown war in 1920. The war incorporated the region into Azerbaijan Democratic Republic. Ye dekhi. Usi samay ki baat hai. Soon after both countries became a part of Soviet Republic. एंड नगोर्नो काराबाख वॉज मेड ऑटोनॉमस बेल्ट इन अजरबैजान टेरिटरी, यहीं से गलती शुरू होती है, यहीं से गलती शुरू होती है। सो व्हेन द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1991, फुल स्केल फाइटिंग अगेन ब्रोक आउट बिटवीन द कंट्रीज एज आर्मेनियन रिबेल्स डिक्लेयर्ड नगोर्नो काराबाख इंडिपेंडेंट। द वॉर लास्टेड till 1994, killed 30,000 people in that belt. 1994, Azerbaijan and Armenia entered a ceasefire brokered by Russia, but international borders were not demarcated. यही दिक्कत student superpowers के साथ में, देखिए और आज वही परेशानी वही तबाही नगोर्नो काराबाख में वापस आ गया है। नगोर्नो काराबाख में वापसी होती लड़ाई की 2020 में, 2000 लोग मारे जाते हैं, अजरबैजान कैप्चर करता है पूरा टेरिटरी, और देखिए यहां पर अजरबैजान ने 2022 में दिसंबर में लचिन कॉरिडोर बंद कर दिया। लचिन कॉरिडोर वाज अप द कॉरिडोर कनेक्टिंग नगोर्नो काराबाख विद आर्मेनिया, ये देखिए बंद कर दिया गया स्टूडेंट्स, ये देखिए। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स का ध्यान दीजिए टॉपिक पर, बहुत डीप मीन्स ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक ये बनकर उभर रहा है। अब इस बार जो अजरबैजान ने पूरा कैप्चर कर लिया है 2023 में नगोर्नो काराबाख को, आर्मेनिया ने कहा बहुत हुआ है, अब बदमाशी करते करते अजरबैजान यहाँ तक पहुँच गया और रशिया बोल भी नहीं रहा है। सो रशिया इज लाइक यार मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, ये देखिए। और इसी का एंड रिजल्ट आर्मेनियन पार्लियामेंट वोट्स टू जॉइन आईसीसी, ये देखिए स्ट्रेनिंग टाइज विद अलाई रशिया, ये देखिए स्टूडेंट्स। तो
आर्मेनिया की पार्लियामेंट ने कहा कि रशिया केवल बोलता है कि हेल्प करेगा मुझे, इधर अजरबैजान को डायरेक्ट हेल्प तुर्की कर रहा है। रशिया ने कहा मैं किसे किसे संभालूं, यूक्रेन पे अटैक करके गलती कर दी है, मेरे खिलाफ निकल गया है वारंट, आईसीसी का वारंट निकल गया है, मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। बोला कि अरे आर्मी तो भेज देते। रशिया ने कहा आर्मी मेरे पास कहाँ है, नॉर्थ कोरिया से मैं ड्रोन उठाकर अटैक कर रहा हूँ यूक्रेन पर। दिक्कत की बात देखे स्टूडेंट्स, तो क्या ये चिंता की बात है? आर्मेनिया ने कहा ठीक है यार चलो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और उसके बाद आर्मेनिया के पार्लियामेंट ने वोट किया कि मुझे आईसीसी ज्वाइन करना। ये देखिए आईसीसी रोम स्टैट्यूट, ये देखिए। एंड उसने बोला हुआ है मिस्टर पुतिन वॉज इंडिक्टेड फॉर वॉर क्राइम्स कनेक्टेड टू द डिपोर्टेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यूक्रेन। और अगर वो जहां कहीं जाएगा पुतिन उसे अरेस्ट कर लेना। ये देखिए आईसीसी ने कहा हुआ, इसलिए पुतिन कहीं जा नहीं रहे हैं, घर में बंद हैं। वो खुद कह रहे हैं मैं खुद परेशान हूं, मुझसे हेल्प मांग रहा है, मेरे पास आर्मी नहीं थी जब वैगनर ग्रुप ने रिबेलियन कर दिया, बेलारूस के बंदे को आना पड़ा बीच में मीडिएट करने के लिए। एंड रशिया इज लाइक, पुतिन इज लाइक, कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? और इसी बात पर स्टूडेंट्स आर्मेनिया ने कहा यार अब समझाने का समय चला गया है, रोम स्टैट्यूट मैं रेटिफाई करता हूँ पार्लियामेंट में और अब मैं आईसीसी ज्वाइन करता हूँ, और अब तुम यहाँ आके दिखा दो, यहीं से अरेस्ट करके भेजेंगे। दैट इज इट। ये देखिए तो रशिया देन, अब ये क्या रशिया ने हेल्प नहीं किया था? रशिया ने हेल्प किया था, 2000 पीस कीपर्स को वहाँ भेजा है आर्मेनिया में। आर्मेनिया इज एलेजिंग दैट ये लोग केवल आकर खा के बैठे हुए हैं। ये देखिए खाना खा रहे हैं और आर्मेनिया में और आके बैठे हुए हैं। जब कहा जा रहा है कि अरे यार बचा लो हम लोगों को, तो बोल रहे हैं तुम खुद बच लो, उसके बाद हमें क्या है। उधर पुतिन यूक्रेन को देख रहे हैं, दैट्स इट। तो ये पीस कीपर्स फ्रॉम रशिया पीस कीपर्स हैं, पीस भी नहीं रख पाए, यही चिंता की बात है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या ये बातें समझ में आ रही है? और आर्मेनिया ऑल्सो होस्ट अ रशियन मिलिट्री बेस एंड रशियन बॉर्डर गार्ड्स हेल्प पेट्रोल आर्मेनियाज फ्रंटियर विद तुर्की। आर्मेनिया के साथ कॉम्प्लेक्स हो गया सब कुछ, उसने कहा तुर्की के साथ बाउंड्री पर भी रशिया के लोग हैं, वो भी खाना खा रहा है सब, ठीक है वो सब कुछ नहीं काम कर रहा है वहां पर। कहा गया अच्छा ऐसा है क्या, आर्मेनिया ने आईसीसी ज्वाइन कर लिया। आईसीसी क्या है देख लीजिए स्टूडेंट्स, आईसीसी द हेग में एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यूट से बनाया गया, 4 मेन क्राइम्स पर अरेस्ट वारंट जारी करता है। ये देखिए तो ये देखिए स्टूडेंट्स इस जगह पर दिस पहला रीजन, पहला कौन सा क्राइम है ये देखिए, ये देखिए रिलीजियस ग्रुप नेशनल एथनिक रेशियल ग्रुप, ये देखिए जीनोसाइड, सेकंड क्राइम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये देखिए थर्ड क्राइम क्राइम वॉर क्राइम्स विच ब्रीचेस द जिनेवा कन्वेंशंस ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड फोर्थ क्राइम क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये देखिए तो पुतिन के खिलाफ में यही देखिए जारी किया गया, देख रहे हैं आप ये सब, पुतिन ने चाइल्ड देखिए चिल्ड्रन को एबडक्ट किया, चिल्ड्रन को लेकर यहाँ पर उसके खिलाफ में वारंट जारी किया गया, देख लीजिए स्टूडेंट्स सेकेंड और थर्ड क्राइम्स के कारण, ये तीन चार के चार क्राइम्स नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। यस यस आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, मुझे बताइए क्या क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्या इंडिया ने रेटिफाई किया? इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है आईसीसी के रोम स्टैट्यूट को, इंडिया हैजंट रेटिफाइड इट, नॉट रेटिफाइड। ब्राज़ील ने क्या रेटिफाइड किया है मुझे बताइए, और साउथ अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका का मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स मीटिंग हुआ था, साउथ अफ्रीका ने कहा था मैंने रेटिफाई किया मैं अरेस्ट कर लूंगा पुतिन को? ये देखिए क्लियर मुझे बता दीजिए। तो यही है कहानी आर्मेनिया, अब देखिए पूरा वर्ल्ड पता नहीं चल रहा किधर क्या करना। ये देखिए रोम स्टैट्यूट सिस्टम, देखिए 4 ऑर्गन्स ऑफ आईसीसी, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन, ओटीपी,
अरे ओटीपी मतलब वो वन टाइम पासवर्ड नहीं है भाई, देखिए यहाँ पर है रजिस्ट्री, ये देखिए हैव अ लुक स्टूडेंट्स। सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट रोम स्टैट्यूट सिस्टम। ये देखिए द हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड रोम स्टैट्यूट, जहां पर ICJ है वहीं पर ये लोकेटेड है स्टूडेंट्स। नगोर्ना काराबाग से रशिया पे असर पड़ गया, इसे कहते हैं खराब समय। कहीं कुछ और हो रहा है मालूम चला, कल को मार्स के ऊपर कुछ जैसे मींस या कोई एस्टेरॉयड कहीं पे कोई मीटियोर आया ब्लास्ट किया रशिया पे, पुतिन पे असर पड़ गया। कभी कभी होता है ना, कहीं कुछ भी हो जाए असर खुद पे पड़ता है। देखिए तो पुतिन इज लाइक यार खराब समय आ गया है, यूक्रेन पे अटैक किए, उसके बाद वर्ल्ड में जहां जो कुछ हो रहा है सबका दोष मेरे ऊपर डाल दिया जा रहा है, क्योंकि मैं बाहर निकलकर बोल भी नहीं सकता ठीक से। वर्किंग इज डिफरेंट तरुण, दोनों बॉडीज का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल्कुल अलग है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है। इवन ICJ इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस 5 प्रीमियर एजेंसीज, ठीक है। UN ग्रुप का प्रिंसिपल ऑर्गन है ICJ, ICC नहीं है प्रिंसिपल ऑर्गन, इसे नोट कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट ICC, दिस इज ऑल अबाउट नगोर्ना काराबाग, दिस इज ऑल अबाउट इंडिया अफगान रिलेशंस, दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स कमर्शियल स्पाईवेयर पेगासस, दिस इज ऑल अबाउट UAPA एंड IPC, दिस इज ऑल अबाउट ICMR। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने पढ़ा अभी आज, कल हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। आपने आज पढ़ा ओसिरिस REX मिशन, आपने पढ़ा स्टूडेंट्स ये एटो सेकंड फिजिक्स क्या होता है, और आपने पढ़ा स्टूडेंट्स लैग्रेंज पॉइंट्स, और ये देखिए स्टूडेंट्स आपने सर्कुलर माइग्रेशन के बारे में पढ़ा। कैसा रहा सेशन मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। डिड यू गेट सम इन डिटेल्ड इनपुट्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स। तो एक मैं आज पुटअप कर दूंगा स्टूडेंट्स, इंडिया एंड द ICC के ऊपर एक आर्टिकल देख लीजिएगा, 4 पन्ने का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम स्टैट्यूट साइन करने से लेकर इंडिया की तरफ से क्या रिजर्वेशंस हैं आप देख लीजिएगा। तो 4 अक्टूबर 2023 का न्यूज़ यहीं पे, सेवा समाप्ति घोषणा। नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। और जिनको IAS टॉपर्स मंत्रा के सक्षम या लक्ष्य कोर्स देने हो आप मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9999887358, और सर्कुलर माइग्रेशन के ऊपर अगर आपको इंटरप्लैनेटरी मिशंस लेने हैं तो जा सकते हैं आप लोग। जो लोग प्लान कर रहे हैं लैग्रेंज पॉइंट जाने के लिए, दे आर मोस्ट वेलकम टू गो, ओके। बट प्रोवाइडेड L1, L2, L3 पर जाकर मत रहिएगा, नहीं तो सर्कुलर माइग्रेशन हो जाएगा, जरा सा डिस्टर्बेंस वापसी पृथ्वी की तरफ। जबकि L4 और L5 पर जाइएगा तो परमानेंट माइग्रेशन रहेगा वहां पर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, दैट्स इट, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड डे अहेड। नमस्कार।